Good morning students, welcome to GTMIS online classes. I am Mukta Singh and today we are going to start chapter 8 verbs. Okay, verbs in Hindi we call it kriya. Hindi mein hum log verb ko kya kehte hain? Kriya. Okay, so students, verbs, these are very important part of a sentence. Yes, why? Because we cannot frame any sentence without verbs. कोई भी सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेंटेंस का वर्ब, क्योंकि बिना वर्ब के हम कोई सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज़ वर्ब दे टेल द एक्शन. ये हमें क्या बताते हैं? काम के बारे में बताते हैं. दे टेल द एक्शन, दे डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग. ये डिस्क्राइब करते हैं एक्शन को, कि जो हमारा नाउन है वो क्या काम कर रहा है. ओके, जो पर्सन है या जो थिंग है वो क्या एक्शन कर रहा है, क्या काम, व्हाट इट इज डूइंग. वर्ब जो है हमें ये बताता है. सो वर्ब, इसीलिए हम इनको डूइंग वर्ड्स या फिर एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं. ओके, वर्ब्स को हम लोग डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें एक्शन बताते हैं. एंड देयरफॉर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. ओके, वी कैन नॉट फ्रेम एनी सेंटेंस विदाउट इट. So now let us understand verb through the example which are given here. So, hawk runs, bird flies in the sky, the boy plays, fire burns. So, students, you can see that here I have written the word run, fly, play, burn in another color. Yes, it is different. Why? Because these words in first sentence, word run, it is describing, it is telling us the action of the subject horse. है ना, ये run जो है ये हमें horse के बारे में बता रहा है कि horse जो है वो क्या action कर रहा है, क्या काम कर रहा है. ओके, what the horse is doing. Horse क्या कर रहा है? Horse दौड़ रहा है. So run, it is describing the action of horse. Yes. Same way in second sentence, the word fly, it is describing the action of bird. That what birds are doing, they are flying. Birds क्या कर रही है? Birds क्या कर रही है? Fly कर रही है sky में. Okay? So birds का जो action है वो बता रहा है हमें कौन सा word? Fly. Yes? Same way third, the boy play. So word play, it is telling us that it is describing the action of the boy. कि boy जो है वो play, खेल रहे हैं. Fire burns. Fire जो है वो जल रही है. So burns, it is telling us that what the fire is doing. Fire का जो action है वो describe कर रहा है. What's the word? Burn. Yes? So the word run, fly, play, burn, they are describing. Yes? They are describing the action of the subject. And these words, they are known as doing or action word. इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? ये doing words है या फिर action words है, क्योंकि ये हमें action के बारे में बता रहे हैं. ओके, एंड द वर्ड विच आर नोन एज डूइंग वर्ड्स और विच टेल्स द सब्जेक्ट एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, दे आर नोन एज वर्ब्स. और इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. अंडरस्टूड? सो रन, फ्लाई, प्ले, बर्न, दीज आर योर वर्ब. ये क्या हो गए? वर्ब्स हो गए. अंडरस्टूड? सो व्हाट इज अ वर्ब? Verb, it always describes the subject or it tells what the subject is doing, what the action a subject is doing. Okay? So, a verb tells what subject does or is doing. Subject जो है हमारा, वो क्या कर रहा है, उसके बारे में जो word हमें बताते हैं, उन words को हम verb कहते हैं. Understood? Also refers to stage of subject. ओके, नाउ जो वर्ब है वो हमें सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में भी बताते हैं. ठीक है? हाउ? फॉर एग्जाम्पल, शी इज नाइस. ओके, सो इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में इज जो है, जो यहाँ पे वर्ड इज है, ये क्या है? वर्ब है. क्यों है ये वर्ब? बिकॉज इट इज टेलिंग अस अबाउट द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट. ये यहाँ पे हमें एक्शन नहीं बता रहा है, एक्शन के बारे में नहीं बता रहा है. यहाँ पे हमें क्या बता रहा है? सब्जेक्ट का स्टेट बता रहे कि वो जो है वो नाइस है, वो अच्छी है. तो यहाँ पे हमें स्टेट के बारे में पता है. ओके, सो जो वर्ड, ओके, सो द वर्ड्स लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैव, हैड,
इनको भी हम वर्ब कहते हैं. व्हाई? बिकॉज़ दे टेल अस द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट. ओके? एंड दे शो द टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, ये हमें बी फॉर्म जो होता है वर्ब का वो बताते हैं. ओके? इनको हम हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. ओके? दीज वर्ब्स दे आर ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब और यू कैन से देम ऑक्सिलरी वर्ब. अंडरस्टूड? You can more understand through the example. For example, here odd run, है ना? Odd run, so here run, it is the verb and this is telling you the action. यहाँ पे run हमें odd के action के बारे में बता रहा है. Yes? Now see the second sentence. Odd is healthy. So in this sentence, if this is also your verb and if it is telling the state of odd. ये हमें हॉर्स का क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है कि हॉर्स कैसा है और जो है वो हेल्दी है. सो इट इज टेलिंग द स्टेट. अंडरस्टूड? सो इन दिस वे इट टेल्स द स्टेट. नेक्स्ट यू कैन सी बर्ड फ्लाई इन द स्काई. सो इन दिस वर्ड वर्ब इन दिस सेंटेंस वर्ब फ्लाई इट इज टेलिंग द एक्शन ऑफ द वर्ब. यस, बर्ड का एक्शन बता रहा है फ्लाई हमें यहाँ पे. एंड इन दिस सेंटेंस सी दिस सेंटेंस वर्ब आर हियर. सो इन दिस सेंटेंस व्हाट इज योर वर्ब? Okay, and R is your verb and it is telling the state of the verb. The verb जो है वो यहाँ पे है. तो यहाँ पे ये verb को क्या बता रहा है? State बता रहा है. Understood? The word which tells the action of the subject. Subject का action जो words हमें बताते हैं उन words को हम verb कहते हैं. और जो words हमें state बताते हैं subject का उनको भी हम verb कहते हैं. Okay? For example, once again, run, fly, play, burn, etc. These are your action words. Is, am, are, was, were, will be, shall be, have, had. These are your words which tells the state. Okay? You can also call them helping verb or auxiliary verb. They tell us the to be form of the verb. Okay? Is, am, are, this we use in the present. Okay? Was, were, this we use in past. Okay. Will be, shall be, this is for your future. Okay. And have, had, these we use for showing the possession of a thing. Okay. Understood? So I hope you have understood what is verb clearly. Now we will study types.